नमस्कार दोस्तों, आज इप्सन स्टाइलर्स के बारे में बताते हैं। तो जो है कि देखिए, प्रॉब्लम आपको दिखाते हैं। स्टार्ट में जाने के बाद फ्रेंड कंट्रोल पैनल पे गया, डिवाइस मैनेजर पे जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका प्रिंटर है स्टाइलस इप्सन, तो उसको राइट क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स जो प्रिंट प्रिफरेंस जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो मेंटेनेंस है वहाँ क्लिक करने के बाद जो मोनिटर 3 है इप्सन, उसको क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो है सर्विस रिक्वायर्ड का ऑप्शन आया। तो फ्रेंड्स ये जो प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, आज टोटली इस वीडियो पे आप लोग को बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मैं हूँ टेक्निकल पीसीएस जयल महतो। मेरे चैनल पर अगर आप लोग नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अपना दोस्त लोग को भी शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आपका सिस्टम पे विंडोज इंस्टॉल नहीं है तो प्लीज विंडोज इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि इस पे जो सॉफ्टवेयर दिया हुआ है जिसके थ्रू से आप रिसेट करोगे, उस सॉफ्टवेयर को स्टॉक करने के लिए आपको विंडोज का जरूरत पड़ेगा। तो फ्रेंड्स पहले तो उसको इंस्टॉल कर लेना होगा, नहीं मिलेगा तो फ्रेंड्स अगर आपका सिस्टम पे नहीं है तो आप मेरा वीडियो से देख के आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या तो बहुत ही आसानी से आप विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल में विंडोज टाइप करके। तो फ्रेंड्स करने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे जो है कि उसके बाद जो मेरा फाइल है WIC रिसेट, इसको डबल क्लिक करके मैंने यहाँ पे जो है कि ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ जो है कि ओपन करने के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करके फ्रेंड्स इसको जो है कि इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ जस्ट मैंने डबल क्लिक कर करके इसको जो है कि इंस्टॉल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फिर दोबारा यस मांग रहा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को यस करना होगा। तो देखिए कितना जल्दी आज आप लोग को 100% अप टू 80% तक रिसेट कर देगा आपका जो इंकपैड का प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स अगर आपका रेड लाइट ब्लिंकिंग आ रहा और सर्विस रिक्वायर्ड का प्रॉब्लम है, इप्सन का कोई भी मॉडल हो सकता है फ्रेंड्स, आप लोग उसको इजीली फ्रीली कर सकते हैं फ्री में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है कि देखिए यहाँ एक और एक चीज मांगा गया था, वहाँ पे आप लोग ट्रायल लिखिएगा TRIAL ट्रायल। ट्रायल लिखने के बाद फ्रेंड्स जो है कि देखिए इसको नेक्स्ट कर दिए, तो यहाँ पे आराम से इसका जो है कि कंप्लीट हो गया। प्लीज टर्न ऑफ, ओके प्लीज प्लीज टर्न ऑफ प्रिंटर, ओके। तो यहाँ पे जो है कि आपको प्रिंटर को ऑफ करना होगा, ऑफ करके एक बार ऑन कर लीजिए। ऑन कर दिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने जो कि ऑफ ऑन कर लिया है, उसके बाद एक बार चेक करके यहाँ पे देखते हैं कि इसका स्टेटस क्या आता है। तो यहाँ देख रहे फ्रेंड्स जो है कि चलिए फिर से इसका जो है कि सेटिंग में इसमें जाते हैं, कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद डिवाइस एंड प्रिंटर पे जो है कि मेरा जो प्रिंटर था उसको राइट क्लिक करके फ्रेंड्स उसका यहाँ पे देखिए जो मॉनिटर 3 है, यहाँ पहले जो था सर्विस रिक्वायर्ड, अभी यहाँ पे क्या आता है देखिए। तो फ्रेंड्स देखिए अभी प्रिंटर बिजी बता रहे, इसका मतलब प्रोसेसिंग में है प्रिंटर, अब देखिए रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स कैसे लगे वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय। अगर इस सॉफ्टवेयर का फुल वर्जन चाहिए तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दिया हुआ नंबर पे। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।